इसके बिना ना मेरी कोई जिंदगी नहीं है यार। आपके साथ दिखाने वाली हूँ। वेलकम बैक टू माई चैनल एंड वेलकम बैक टू अ न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो। सो आज की वीडियो इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि आज मैं आप लोगों को कुछ ऐसे अफोर्डेबल आइटम्स दिखाने वाली हूँ जो कि मैंने DIY स्टोर से लिए हैं। अगर आप लोग नहीं जानते कि DIY स्टोर क्या है तो शायद आप लोग मॉल कम जाते होंगे क्योंकि आजकल हर मॉल में ऑलमोस्ट ये स्टोर देखने को मिलता है और इसका फुल फॉर्म है डू इट योर सेल्फ। सो वहाँ से शॉपिंग तो मैंने काफी सारी की थी लेकिन कुछ ही ऐसे आइटम्स हैं जो आपको दिखाने लायक है क्योंकि बाकी तो बहुत ही बेसिक डेली नीड्स के आइटम्स थे। DIY एक ऐसा स्टोर है ना जहाँ पे हर किसी के लिए कुछ ना कुछ है, तो मुझे और मेरे हस्बैंड दोनों को ये स्टोर काफी पसंद है क्योंकि उनको उनकी इंटरेस्ट की चीजें मिल जाती हैं और मुझे मेरे इंटरेस्ट की चीजें। अगर आप लोग एक्साइटेड हो देखने के लिए कि मैं DIY स्टोर से क्या क्या लेके आई हूँ देन प्लीज कीप ऑन वॉचिंग दिस वीडियो। और हाँ गाइस, आगे बढ़ने से पहले प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स जस्ट गेट इनटू दिस वीडियो। तो हम बात करते हैं पहली कैटेगरी पे जो कि है मेकअप। मैं आपको बता दूं कि वहाँ पे मेकअप के आइटम ज्यादा नहीं है, लाइक आपको फाउंडेशन ब्लश ये सब कुछ वहाँ पे नहीं मिलेगा लेकिन उसको रखने की चीजें मिल जाएंगी, लाइक आपको बॉक्सेस ऑर्गेनाइजर्स काफी अच्छे अच्छे मिल जाएंगे और भी बहुत सारी ऐसी चीजें जो हमको डेली मेकअप रूटीन में हमारे हेल्प करती है। अगर आप लोग को इनमें से कोई भी आइटम चाहिए ना तो आप अपने नियरेस्ट DIY स्टोर विजिट कर सकते हैं और होपफुली आपको ये वाले आइटम्स वहाँ पे मिल जाएंगे देखने के लिए। तो जैसे कि मैंने आपको बोला वहाँ पे आपको मेकअप नहीं मिलेगा लेकिन मेकअप टूल्स तो मिल ही जाएंगे। तो मेरी नजर गई सबसे पहले इस ब्यूटी ब्लेंडर पे। आप देख सकते हो ये काफी गंदा हो चुका है क्योंकि मैंने अभी इसको ट्राई किया है इसी मेकअप लुक को क्रिएट करने के लिए, तो ये ऐसे गंदा हो गया। लेकिन आप देख सकते हो ये काफी स्पंजी है, काफी अच्छा लगा मुझे। और ये 54 रुपीज का ही था, आई थिंक 50 to 55 रुपीज के बीच का ही था। ये क्यूट सा लैवेंडर कलर का ब्यूटी ब्लेंडर है और उसकी पैकेजिंग भी मुझे काफी क्यूट लगी। मुझे अच्छा लगा कि उन्होंने ये कवर के साथ दिया है तो इसी वजह से मैं काफी इजिली इसको अपने वैनिटी के ऊपर रख लेती हूँ। या ट्रैवल फ्रेंडली भी है, मैं आसानी से इसको डाल के लेके जा सकती हूँ। मुझे अपने स्पंज का मुड़ना तोड़ना और यू नो स्क्वीज होने का बिल्कुल भी डर नहीं है। Really like this one, so I got it. इसके बाद मैं लेके आई हूँ ये छोटू सा मिरर। ये काफी छोटे से साइज का है, लाइक मेरे पूरे हाथ से भी छोटा है, ये हाथ के साइज से भी छोटा है। लेकिन ये काफी यूजफुल मुझे लगता है क्योंकि यू नो मेरी जो ड्रेसिंग है वो ज्यादा बड़ी नहीं है, तो मेरे को ये छोटा सा मिरर ही वहां पे रखने के लिए जगह थी, सो इसलिए मैं ये लेके आई हूँ। लेकिन आप इसके पीछे आप देख सकते हो कितना प्रिटी सा इसका डिजाइन है। इसके पीछे डिटॉक्स ड्रिंक लिखा है तो ये प्रॉपर यू नो मेरे को समर वाइब्स दे रहा है। काफी क्यूट लगता है मेरी वैनिटी पे रख के और मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा। ये मुझे मिला है आई थिंक 100 to 120 के बीच में। लेकिन आपको ना ऐसे रेट्स नहीं मिलेंगे जैसे हमें यूजुअली मिलते हैं, जैसे 199, 199, 299 ऐसे नहीं मिलेंगे आपको, बहुत ही अनयूजुअल से रेटिंग्स मिलेंगे। अब वो लोग करते होंगे अपने हिसाब से प्राइसिंग, यार हमें क्या पता। उसके बाद मैं लेके आई हूँ ये ब्रश। आई रिमेम्बर लास्ट टाइम जो मैं ब्रश यूज कर रही थी ना वो भी मैं वहीं से लेके आई थी और इसमें भी बाल फंसे हैं। ये हेयर ब्रश काफी अच्छी क्वालिटी का है गाइज और मेरे बाल ना काफी उलझते हैं, यू नो आसानी से सुलझते नहीं है। सो अगर आपके साथ भी यही प्रॉब्लम है ना तो वो छोटे वाले कंघे यूज करना ना बिल्कुल छोड़ दो और इस पे स्विच कर जाओ क्योंकि ये बहुत काम की चीज है। आपके बालों में दर्द भी नहीं होता और बहुत आसानी से आपके बालों को सुलझा भी देता है। और ये मुझे काफी अफोर्डेबल रेट पे मिला था, आई थिंक ये 200 से 300 के बीच में मुझे पड़ा है, उससे ज्यादा का ये नहीं था। अगर आप वेगा या फिर कहीं और से भी खरीदते हो ना तो आपको ये काफी एक्सपेंसिव मिलते हैं लेकिन DIY में ना मुझे काफी अफोर्डेबल मिला। इसके बिना ना मेरी कोई जिंदगी नहीं है यार, मैं नहीं अपने बाल सुलझा सकती ऐसे ब्रशेस के अलावा। तो नेक्स्ट जो चीज है ना वो मैं लेने के लिए काफी टाइम से वेट कर रही थी लेकिन मुझे कोई भी एग्जैक्टली वो पर्पस सॉल्व करने वाली जो चीज होती ना वो मुझे नहीं मिल रही थी और मुझे DIY में दिखी तो मैं ले आई, जो कि है ये छोटा सा डस्टबिन। इसका कलर देख सकते हो, मुझे बहुत ज्यादा इसका कलर पसंद आया और इसको ऐसे यूज करते हैं। यहाँ पे ना आपको एक पुश बटन दिया हुआ है, आप इसको ऐसे क्लिक करोगे और ये ऑटोमेटिकली खुल जाएगा। सो काफी यू नो बहुत ही इजी है इसको यूज करना। काफी लंबे टाइम से मैं एक ऐसा छोटा सा डस्टबिन ढूंढ रही थी जिसको मैं अपनी ड्रेसिंग टेबल पे रख सकूं। जब मैं मेकअप करती हूँ ना तो मेरे को काफी टिश्यूज, काफी कॉटन पैड्स वगैरह, काफी कचरा मेरे पास हो जाता है और यू नो बार बार मेरे को उठा के एक रूम से दूसरे रूम जाना पड़ता है जहाँ पे डस्टबिन है वहां पे इसको फेंकने के लिए। सो मैंने सोचा क्यों ना मैं एक छोटा सा डस्टबिन ले आऊं जो कि मैं अपनी ड्रेसिंग टेबल पे रख लूं और जो भी मेरा कचरा है मैं उसको डालूं और मैं एक बारी में उसको सबको डिस्पोज करूं। सो यही वजह है कि मैं ये डस्टबिन लेके आई हूं और ये डस्टबिन का जो प्राइस है वो है 240 रुपीज या 240 रुपए में। आपको इतना अच्छा दिखने वाला डस्टबिन कहां मिलेगा यार, DIY में मिलेगा, जाके जरूर देखना।
उसके बाद हम लोग आ जाते हैं अपने होम डेकोर की कैटेगरी में, और जो सबसे पहला जो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ वो है ये देखो ये कितना क्यूट लग रहा है। ये मैंने प्लांट लिया है वहां से, और इसका जो प्राइस था वो था 630 रुपीज। ये चश्मा इसके साथ नहीं आया था गाइस, ये चश्मा ना मेरे हस्बैंड ने, मेरा रैंडमली चश्मा रखा हुआ था और उन्होंने इस पे लगा दिया, और ये बहुत ज्यादा क्यूट लगता है ऐसे हमारे लिविंग रूम में रखा हुआ। इसकी क्वालिटी ना गाइस बहुत अच्छी है, काफी भारी, आपको ऐसा लगता है आप एक्चुअल में कोई यू नो प्लांट उठा रहे हो, और ये देखने में भी काफी रियल लगता है, लेकिन ये रियल है नहीं। और इसके अंदर से मैं आपको दिखा देती हूँ, इसके अंदर से ना ऐसे वेलवेट चिपका रखा है, लेकिन भाई मेरे को घास वाली फीलिंग नहीं चाहिए थी, मेरे को मिट्टी वाली फीलिंग चाहिए थी, यहाँ ना कुछ ब्राउन होना चाहिए था, ग्रीन नहीं होना चाहिए था, बट ठीक है यार। आर्टिफिशियल प्लांट्स ना काफी महंगे आते, तो 630 रुपीज में ना काफी अच्छी डील है यार। उसके बाद मैंने लिया है ये क्यूट सा कैक्टस, ये भी पिंक कलर में ही है जिस कलर का डस्टबिन था, सो ये मैंने लिया है, और ये मेरे को पड़ा है 119 रुपीज का। ये अभी अंदर से ऐसे खाली है क्योंकि मुझे ऐसा कोई छोटा सा प्लांट नहीं मिला है इसमें रखने के लिए, लेकिन मैं ढूंढ रही हूँ और जल्दी मुझे मिल जाएगा, तो ये भी आपको मेरे बैकग्राउंड में देखने को जरूर मिलेगा। अब हम लोग आ जाते हैं हमारी लास्ट कैटेगरी में, जो कि है एलईडी लाइट्स। अगर आप लोगों को भी लाइट्स पसंद है ना, तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताना, मैं बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड हूँ लाइट्स से। जो आपको मेरे बैकग्राउंड में अगर ये मेरे फ्रेम से नहीं कट रहा होगा, तो मेरे बैकग्राउंड में आपको स्टार लाइट दिखती है ना, वो भी इसलिए ही दिखती है क्योंकि मुझे काफी पसंद है घर में ऐसी लाइटिंग वाइब्स रखना। तो सबसे पहले लाइट मैंने ली है ये वाली, ये है स्टार लाइट, और काफी फ्रोजन सा इसका लुक दिया गया है। पीछे से कुछ इसका ऐसा सिस्टम है, अंदर ना वो छोटी वाली बैटरीज लगी हुई है, मुझे नहीं पता वो खत्म हो जाएंगी तो मैं नई कहां से लगवाऊंगी, बट फिलहाल ये ऐसा जलता है, काफी सटल सी लाइट है, और ना ऐसी लाइटिंग ना सोते टाइम अगर मेरे कॉर्नर में होना तो मेरे को काफी अच्छा लगता है, तो इसलिए मैं अपने साइड ड्रॉअर के लिए ये लेके आई हूँ, मुझे बहुत अच्छी लगी। और ये थी आई थिंक 150 समथिंग की लाइट थी, क्वालिटी इसकी काफी अच्छी है, सो आई थिंक इट इज वर्थ इट। उसके बाद जो नेक्स्ट लाइट है ना वो ये है, ये बहुत ही प्रिटी सी पिंक कलर की शेल लाइट है, मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगी। इसके नीचे भी ये सेम स्टार लाइट जैसा ही सिस्टम लगा हुआ है, और यहाँ से आप इसको ऑन करेंगे तो देखिए बहुत प्यारी सी इसमें येलो लाइट जलती है, मुझे बहुत अच्छा लगा ये, और इस वजह से मैंने इसे परचेज किया है। इसका और स्टारलाइट का ना रेट सेम था, ये भी मुझे 150 टू 160 के बीच में ही पड़ी है, सो या मुझे बहुत अच्छी लगी। उसके बाद मैंने ली है दो साइनेज, आजकल साइनेज का ना बहुत जमाना है, यू नो हर किसी के बैकग्राउंड में आपको साइनेज देखने को मिल जाएगा। मैंने इससे नहीं लिया है, मैंने इससे लिया है क्योंकि ऑब्वियसली मैंने आपको बताया कि मुझे लाइटिंग्स बहुत पसंद है। सो सबसे पहला साइनेज मैंने लिया है ये मून साइनेज है, और काफी पॉजिटिविटी देता है, मैं इसको रात को लाइट अप करती हूँ और बहुत अच्छा लगता है। इसके अंदर ना 3 बैटरीज लगती है, मैंने अभी डाली भी हुई है, ओनो ऐसे करके ये फिक्स होगा, और लाइट जलाने के बाद आप देखो बहुत सुंदर है ना, मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगी ये लाइट। इसी के साथ ना मैंने एक और साइनेज लिया है, और वो साइनेज है एक स्वान का, ये है पिंक कलर में, बहुत ज्यादा सुंदर लगता है राइट, रात को जलाने में ना ये बहुत सुंदर लगते हैं। एक पिंक है और एक येलो है, और दोनों ही मुझे पड़े हैं 499 रुपीज ईच, लाइक 500 रुपए का एक पड़ा है, मुझे नहीं पता सस्ता है महंगा है, लाइक अफोर्डेबल ही है यार, इतना महंगा भी नहीं है। नहीं गाइस ये थी कुछ चीजें जो मैंने DIY से ली हैं। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आई हो ना, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आपको इनमें से कोई भी चीजें चाहिए है ना, तो आई एम रियली सॉरी गाइस, मैं आपको लिंक नहीं दे पाऊंगी क्योंकि DIY ऑनलाइन नहीं है, लेकिन अगर आप अपने नियरेस्ट DIY स्टोर विजिट करोगे ना, तो आपको इनसे भी अच्छी अच्छी चीजें देखने को मिल जाएगी। गाइस दैट वाज इट फॉर टुडेस वीडियो, आई रियली होप यू गाइस लाइक्ड इट एज मच एज I liked filming it. See you in my next video. Till then, bye bye and take care of your loved ones. Bye.